व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। आप गाय को दीजिए। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है, रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप, आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भावों में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो तो घटके जिभ्या से जप लो, नहीं जी जी वही उत्ता में ही पूरा हो जाए, वही बहुत। महाराज पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो, भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है उसमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगलखोर भी बना है और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम, रहे हो जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर बाटा धर। कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करे। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका दर्शन कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोर। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना
किसी को कष्ट ना दे। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है, जो एकादशी एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं। दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी वृद्ध कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए, वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया, महाराज शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है वो है एकादशी का। यह जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी, हो अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगे उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास रख प्रयास। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो सावन भादो कुमार कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी मारा। एकादशी का उद्यापन आग महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन कर रहे हैं एकादशी का तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए, तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं, स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता,
महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर प्रणाम कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए, एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन तीन चीजें देती है। पहला हमारी उम्र बढ़ाती है, दूसरा बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता, और तीसरा हमारे जीवन में कभी वैभव की सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता ये एकांतेश्वर।